हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। मैं आज फिर से एक DIY लेकर आई हूँ, जो कि मैं गिफ्ट करने वाली हूँ। और ये मैं वेस्ट दिए से बना रही हूँ। सबसे पहले दिए से हम कलश का शेप बनाएंगे। तो ये तो आप सब भी जानते हैं कि दिए से कलश कैसे बनाना है। उसके आगे का मैं बताऊंगी आपको कि मैं इसे कमंडल कैसे बनाऊंगी। ये सारा मैं वॉल पुट्टी से स्टिक कर रही हूँ। आप चाहें तो मोल्डेड क्ले भी ले सकते हैं और एमसील भी ले सकते हैं, कोई भी क्ले यूज कर सकते हैं इसे स्टिक करने में। तो ये हमारा कलश का शेप रेडी हो गया है। और अब हम जो भी वर्क करेंगे ना इसमें, तो वो जो है जो दिए का निकला हुआ पोर्शन है वहाँ पे करेंगे, ताकि उसका जो निकला हुआ पोर्शन है वो छिप जाए। तो यहाँ पे मैं इसका जो कलश में बना होता है ना वाटर निकलने वाला, तो वो डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे और किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हम इसे कट कर लेंगे। ये गिफ्ट मैं किसी खास के लिए बना रही हूँ, जो कि मुझे लगता है कि हर किसी के लिए वो खास ही होंगी। तो ये देखिए, हम यहाँ पे इसे कट करेंगे, जो वाटर निकलने वाला जो उसका जो होता है ना, तो वहाँ पे इसी टाइप का होता है ना, तो उसी चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए ये शेप हमें बनाना है। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपके पास, अगर नाइफ है तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास वेस्ट चूड़ी है, जो कि मैं यूज़ नहीं करती, ये मेटल का है। तो हमें शीशे वाला चूड़ी नहीं लेना है, मेटल का ही लेना है इसके लिए, ताकि ये टूटे नहीं। और ये मैं वॉल पुट्टी से स्टिक कर ले रही हूँ। ये देखिए, हमें इस तरह से मैं इसे प्लायर से कट करी हूँ कमंडल के चूड़ी को, और अब हम इसे स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे ना, ये तो वॉल पुट्टी डो से मैं सारा वर्क करी हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं इसमें अगरबत्ती स्टैंड भी बनाऊंगी, ताकि जिनको मैं दूंगी उन्हें अगर ऐसे एज अ शो पीस रखना हो तो वो भी कर ले, और अगरबत्ती स्टिक करना हो तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एमसील से थोड़ा सा इसे कवर करी हूँ, ताकि ये स्ट्रांग हो जाए। और जो हैंडल मैंने लगाया है ना चूड़ी का, उसे भी मैं थोड़ा सा एमसील से स्टिक करी हूँ, ताकि ये बहुत स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि हमें गिफ्ट देना है तो काफ़ी स्ट्रांग इसे बनाना है। और ये कुछ मैं डिज़ाइन बना रही हूँ इसमें, जो कि मैं नग का काम करूँगी। और ये मैं शुभ लाभ बना रही हूँ। और बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। हेलो दोस्तों, आप सभी का दियाज क्रिएटिव DIY डेकोर बास्केट में स्वागत है। मैं हूँ मेघा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको मिल सके। होम डेकोर DIY आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। तो चलिए, अब ये डिज़ाइन देखिए, सूखने के बाद ये सारा कमंडल हमारा पूरा रेडी हो चुका है, और अब हम इसे पेंट करेंगे। तो पेंट करने के लिए सबसे पहले मैं ब्लैक एक्रेलिक पेंट ली हूँ। ब्लैक कलर से पेंट करने के बाद अगर हम कोई कलर डालते हैं तो वो कलर बहुत निखर कर आता है, बहुत उभर कर आता है, इसलिए मैं इसे सबसे पहले ब्लैक से कर रही हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सा कलर इसमें डालूंगी, बट जो भी डालूंगी तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए, मैं सोची कि थोड़ा कॉपर कलर बनाकर डालूं, तो इसके लिए मैं ब्राउन, ऑरेंज, रेड और थोड़ा सा गोल्डन कलर मिक्स एंड मैच करके सभी को इस तरह का मैं कलर बनाई थी। और इसमें थोड़ा सा मैं इसका सूखने के बाद ना जो कलर होता है ना, उसमें थोड़ा सा मैं और गोल्डन डाली, बट मुझे वो कलर अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं इसे दूसरे कलर में पेंट करी। एक्चुअली मैं इसे अपनी नानी माँ के लिए बना रही हूँ, तो भाई न्यू ईयर में गिफ्ट देना तो बनता है, और अपने हाथों का बनाया हुआ तो बहुत ही अच्छा और ज़्यादा खुशी मिलती है ना। तो इसे मैं गोल्डन कलर से पेंट करी हूँ, और थोड़ा नग का भी मैं पेंट करी हूँ। आप देखिएगा, बिल्कुल ही लग रहा है जैसे कि नग का काम किया हुआ है इसमें। तो आप भी अपने बड़ों को, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, आप उसे इस तरह का गिफ्ट दे सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होम डेकोर DIY आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। मिलती हूँ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।